हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम रियूज करने वाले हैं पुराने जींस का। तो जींस को सबसे पहले हम नीचे से जो टाइट वाला हिस्सा है वो कट कर देंगे और फिर यहाँ से हम 15 इंच की लंबाई से कट कर लेंगे ऊपर से। अब इसकी उल्टी साइड हम बाहर करेंगे और सीधा सीधा इसको कट कर देंगे। साढ़े 12 इंच की चौड़ाई है इसकी, लंबाई है इसकी 15 इंच की। दूसरे पैर से भी सेम तरीके से एक पीस हम कट करके निकालेंगे। इसको उल्टा करेंगे साइड में से कट करके, फिर से इसको हम सीधा सीधा कट करके जो है एक पीस और ले लेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, एक्स्ट्रा है तो उसको हम कट कर देंगे। तो दो पीस हमारे पास एक साइज के तैयार हो जाते हैं कट होकर के। इनको साइड में रखेंगे, दो पीस हम इसमें से कट करके निकाल लेंगे। अब देखिए इसका जो जॉइंट है यहाँ पर, जो हार्ड पार्ट है अंदर एक्स्ट्रा है, जितना भी उसको कट करके निकाल देंगे, सिलाई को छोड़ देंगे नीचे की तरफ, क्योंकि जब इसमें फोल्ड करेंगे इसको हम तो ज़्यादा मोटा कपड़ा हो जाएगा, इसलिए एक अन्नी कट कर दी मैंने। एक राइस बैग का मैंने पीस कट करके ले लिया है और उसको कुछ इस तरीके से रखा है। कपड़े की सीधी साइड नीचे की तरफ है और राइस बैग की जो है उल्टी साइड है वो देखिए ऊपर की तरफ है। अब एक सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, एक सिलाई हम ऊपर की तरफ लगा देंगे इसके ऊपर। अब साइड में सिलाई लगाएंगे एक, ताकि अटैच हो जाए ये राइस बैग के साथ में। आप यहाँ पर आटा बैग भी ले सकते हो। अब पहले से यहाँ पर एक सिलाई थी, जॉइंट था यहाँ पर, तो एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे, एक सिलाई हमको साइड में लगा देनी है। अब सबसे पहले तो हमको जितना टेढ़ा पार्ट है साइड में उसको कट करके सीधा कर लेना है। अब एक सिलाई हमको नीचे की तरफ भी लगा देनी है इसके ऊपर। तो इस तरीके से ये पीस तैयार हो जाता है। दूसरा पीस भी सेम तरीके से हमने तैयार कर लिया है। अब देखिए दो पीस हमने कट करके लिए थे ऊपर से, तो उनको इस तरीके से आपस में जोड़ लेंगे। सीधी साइड हमने नीचे की तरफ अंदर की तरफ कर दी है दोनों की। अब देखिए ये जो कपड़ा है इसको इस तरीके से फैलाएंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से अलग अलग करते हुए सिलाई लगाएंगे, ताकि जब भी हम कपड़ा फोल्ड करें तो ज़्यादा मोटा ना हो, क्योंकि ज़्यादा मोटे के ऊपर फिर जो है सिलाई नहीं चलती है, मशीन नहीं चलती है, सुई टूट जाती है। अब यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा लगा मेरे को तो इसको मैंने कट कर दिया, बिल्कुल इक्वल पीस कर लेंगे हम इसको। अब इसकी लंबाई कम है तो देखिए मैं इस तरीके से छोटे छोटे पीस जोड़ रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी जींस में से छोटे पीस कट करके निकाल सकते हैं और इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। अब मैं इसका मेजर करके दिखा देती हूँ आपको। चौड़ाई है यहाँ से इसकी 7 इंच की, लंबाई है 42 इंच, यानी कि 42 इंच की लंबाई हमको चाहिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको मैंने कट कर दिया था। अब एक मैंने राइस बैग का पीस लिया है, लंबाई है इसकी 41 इंच की, चौड़ाई है मतलब 5.5 इंच, मतलब 5.5 इंच की चौड़ाई है और 41 मतलब 41 इंच की इसकी लंबाई है। अब देखिए इसका इधर से सेंटर निकालेंगे कपड़े का और राइस बैग का। कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, राइस बैग को इस तरीके से रखा है मैंने, प्रिंटेड साइड ऊपर है राइस बैग की। और फिर देखिए यहाँ से 1/2 इंच सिलाई में दबाते हुए है जो है हमको सिलाई लगा लेनी है। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे हम यहाँ से और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। राइस बैग का जो पीस है उसको मैंने चौड़ाई में कम लिया है, 1.5 इंच कम लिया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए सेम तरीके से हमको दूसरी साइड भी इसके ऊपर जो है रेडी करना है इस पीस को। तो देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे सेंटर से सेंटर मिला करके और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
अब इसको पलटेंगे, सीधी साइड देखिए इसके ऊपर है और प्रिंटेड साइड इसके ऊपर है। और अब देखिए इस तरीके से पलटेंगे, अब इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा देंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे, सीधा करने के बाद इसके ऊपर तीन सिलाई लगा देंगे। अब देखिए जो पैंट के ऊपर स्टिकर था उसको उतार लिया मैंने, और जो बड़ा पीस हमने तैयार किया था उसके ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे। ऊपर से दो इंच नीचे की तरफ रखा है और साइड में से सेंटर है, और फिर देखिए इसको इस तरीके से सिलाई मशीन से हम अटैच कर देंगे। इसको सिलने में मैंने 16 नंबर की सुई का ही यूज किया है पूरे इस बैग को बनाने में। अब मैंने ब्लैक कलर का एक कपड़ा लिया है, चौड़ाई है इसकी 4 इंच की, लंबाई है 14 इंच की, और ये हमको दो पट्टी चाहिए। इसकी लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा थी तो मैंने कट कर दी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक फोम सीट ली है जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इसको इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से कपड़ा फोल्ड कर देंगे 1/2 इंच, दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच, फिर देखिए इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करते हुए रखेंगे और बिल्कुल ही जो है कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिर्फ एक साइड सिलाई लगानी है हमको, दोनों साइड इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। सेम तरीके से हमको दूसरी तनी तैयार करनी है। तनी यहाँ पर हमारी कंप्लीट नहीं होती है, इसको अलग से थोड़ा सा लुक देंगे हम। यहाँ पर हमने 1.5 इंच पे मार्किंग की है, दूसरे सिरे के ऊपर भी 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ से सिलाई शुरू करेंगे इसको डबल फोल्ड करते हुए। कॉर्नर कॉर्नर के ऊपर हमको सिलाई लगानी है, और जो 1.5 इंच पर हमने मार्किंग की थी वहाँ पर आकर इस तरीके से हम जो है सिलाई को बंद कर देंगे। सेम तरीके से हमको दूसरी तनी तैयार कर लेनी है। तो ये दो तनी हमारी तैयार हो जाती है। अब देखिए मेन पार्ट को लेंगे, ऊपर से हम सेंटर निकालेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच पे दूसरी साइड मार्किंग करेंगे सेंटर से। अब देखिए जो 1.5 इंच पे मार्किंग की है उससे बाहर की तरफ देखिए इस तरीके से हम तनी को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तनी का दूसरा सिरा रखेंगे जो 1.5 इंच पे मार्किंग की है उससे पूरा बाहर की तरफ रखेंगे तनी को, और इस तरीके से तनी अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट के ऊपर हम तनी अटैच कर लेंगे। इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो दोनों पार्ट के ऊपर तनी अटैच मैंने कर ली है। अब देखिए दो पीस और लिए मैंने छोटे छोटे कट करके, इनको भी आपस में जोड़ लेंगे। तो हमारे पास कोई बड़ा पीस नहीं था कि हमारे पास इक्वल पीस था, उसी से हमने बैग बनाया है। तो इस तरीके से जब आप जींस से बैग बनाओगे तो इस तरीके से इसमें ज्वाइंट आएंगे, लेकिन कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा। बाद में बैग बनाने के बाद बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी आप लास्ट में देखोगे तो। नीचे से हमने फैला करके फिर जो है सिलाई मार्जिन के ऊपर सिलाई लगा दी है, फिर इसको हमने साइड से कट करके सीधा कर लिया है। इसकी चौड़ाई है, लंबाई है इसकी 10 इंच की, चौड़ाई है इसकी 7 इंच की। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे लंबाई की साइड से, और सेंटर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारे पास ये दो पीस हो जाएंगे, सीधी साइड ऊपर करते हुए रखेंगे इसकी इस तरीके से। अब हमको एक चैन चाहिए, चैन की लंबाई इससे हमको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। ये जो कपड़ा है इससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ली है मैंने चैन। अब देखिए जो ये कपड़ा है इसको इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। दूसरा पार्ट भी लेंगे, सेम तरीके से सिलाई लगा देंगे। डबल फोल्ड नहीं किया मैंने, सिंगल फोल्ड ही किया कपड़ा। अब देखिए इसके ऊपर चैन हम इस तरीके से रखेंगे, उल्टी साइड ऊपर करते हुए चैन को रखेंगे और यहाँ पर सील करके अटैच करेंगे। अब इसको टॉप स्टिच कर लेंगे। सिलाई मार्जिन को दबाते हुए इसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए दूसरा पार्ट इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ध्यान रहे जो हमने फोल्ड किया है वो हमको जो चैन एक्स्ट्रा है उधर की तरफ करते हुए फिर इसको अटैच करना है पीस को। अब फिर से इसके ऊपर हम टॉप स्टिच कर लेंगे।
अब देखिए चैन को हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा ओपन कर लेना है और फिर देखिए इस चैन को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए, देखिए मैं दिखाती हूँ मैंने चैन को कैसे फोल्ड किया है। एक बार फिर से ऐसे फोल्ड किया इसको अंदर की तरफ, फिर यहाँ से कपड़ा ऐसे फोल्ड किया है और अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिंगल फोल्ड किया है मैंने कपड़ा, आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया है। अब हमको सेम तरीके से दूसरा पार्ट है उसको फोल्ड करना है। चैन को दबाया और फिर देखिए इस तरीके से फोल्ड किया, अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इससे चैन यहाँ से लॉक हो जाएगी, बिल्कुल ही बाहर रनर आने का कोई चांस नहीं रहेगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। देखिए इस तरीके से, अब इधर किस तरफ देखिए हमको क्या करना है, एक कपड़े का पीस रखना है इस तरीके से और यहाँ पर सील करके अटैच कर देंगे। अब इसको सीधा करेंगे, ऊपर से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। दो दो बार घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। अब इसमें एक्स्ट्रा धागे नज़र आ रहे हैं तो उनको देखिए इस तरीके से कट कर देंगे, फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये पार्ट रेडी हो जाता है। अब इसको अटैच कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसका सेंटर तो हमने निकाल रखा है बैग का, तो मेन पार्ट का, तो अब देखिए इस पार्ट का सेंटर निकालेंगे। दोनों तरफ से सेंटर निकाल के मार्किंग कर लेंगे, मार्किंग को थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि अच्छे से नज़र आए। अब देखिए इस पार्ट का जो सेंटर पार्ट है मार्किंग कर रखी है उसको हम नीचे की तरफ कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहो तो पेन से कर सकते हो क्योंकि राइस बैग के ऊपर जो है चौक नहीं चलता है। अब सेंटर से सेंटर मिला के रखेंगे इस कपड़े को और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हो। एक तरीका और भी बताऊंगी मैं आपको, दूसरे पार्ट को अटैच करूंगी उस टाइम पर। अगर आप बिगनर्स हैं तो दूसरे पार्ट को भी आप इसी तरीके से अटैच करें। अब देखिए इस तरीके से हम दूसरे पार्ट को रखेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, अब सिलाई लगाएंगे। तो बिगनर्स हैं तो उनको पता नहीं चलेगा नीचे की तरफ कितना कपड़ा दब रहा है, इसीलिए जो है वो उल्टा करके इस बैग को फिर सिलाई लगा सकते हैं उल्टी साइड ऊपर करते हुए। अब देखिए जो पार्ट हमने तैयार किया था राइस बैग लगा करके, चौड़ाई 7 इंच की थी, लंबाई इसकी 42 इंच की थी, इसको इस तरीके से रखेंगे नीचे की तरफ। अब देखिए साइड में जो एक्स्ट्रा पीस है उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अंदर की तरफ देखिए फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करते हुए फिर जो है इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जब हम इस पाइपिंग को लगाएंगे उस टाइम पर जल्दबाजी से अगर काम करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, थोड़ा सा स्लो में और अच्छे से हम करेंगे इसको। अगर बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ा स्लो में करना है इस काम को, जल्दबाजी नहीं करनी है। और फिर देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे तो ये जो है पाइपिंग है इसी से इसकी फिनिशिंग जो है वो हाईलाइट होगी, तो इसको थोड़ा आपको अच्छे से ही लगाना है। क्योंकि जो पैंट है जींस की वो स्ट्रेचेबल है थोड़ी सी, लेकिन राइस बैग है वो एकदम टाइट है तो थोड़ा सा झोल आने का चांस रहता है, इसीलिए जो है हमको ये पाइपिंग आसानी से इस तरीके से जो है धीरे धीरे करके लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये जो बैग मैं बना रही हूँ शायद आपने यूट्यूब पर पहले नहीं देखा होगा, बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन है और बहुत प्यारा बनकर के तैयार होगा। और इसका यूज आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से करना है तो आपको जो है बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। और इस तरीके से जो है हम अपनी पुरानी जींस पुराने कपड़ों को जो है यूज कर सकते हैं, फेंकने के बजाय हम उनसे कुछ नया बना सकते हैं। अब दूसरा पार्ट इस तरीके से जो है हम इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। तो इसको मैं पूरा सिलाई लगा के नहीं दिखा रही हूँ, आप समझ जाना। ये देखिए साइड में इस तरीके से ये पूरी सिलाई लगानी है हम इसको इसके ऊपर, ये देखिए। तो ये हमारा प्यारा सा बैग बन करके तैयार हो जाता है। जब हम इधर से ओपन करेंगे इसको तो ये देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगा।
अंदर जो प्लास्टिक बैग लगाया हमने वो जो है अच्छी क्वालिटी का था, तो इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी आई है, फिनिशिंग भी अच्छी आई है उसकी वजह से। आप इसको जब भी मार्केट निकलो सामान लाने के लिए तब आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से यूज करने के लिए बनाया है, ऑफिस में टिफ़िन और बोतल के लिए मैंने यूज करना है इसको। तो इस तरीके से देखिए, आप देख सकते हो टिफ़िन बोतल डालने के बाद इसका जो शेप है वो बिल्कुल नहीं बिगड़ा है, और प्लास्टिक बैग है अंदर, तो अगर बाई चांस लिक्विड गिर जाता है, पानी बोतल से बाहर आ जाता है, तो कपड़े तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक बैग है। तो आप भी जो है इस तरीके से पुराने जींस का रीयूज कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ आज का आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि आप तक इस तरीके की वीडियो जो है हर रोज़ मैं पहुँचा सकूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।